हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे, और मैंने यहां पर भी हाथरस में भी और सिकंदरा राव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी, और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था, और हमारे तीन मंत्री यहां पर कल से ही कैंप कर रहे थे, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहां पर कल से ही कैंप कर रहे हैं, सीनियर अधिकारीगण भी यहां पर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहां पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी, और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहां की घटना के बारे में था, और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, कासगंज एसपी साहब के सामने, और अंडरवर्ल्ड रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस, जिनकी निगरानी में, जिनके कमीशन जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनको ये चीज रखनी है। ये अलीगढ़ से रास्ता है और इधर जा रहा है एटा के लिए, ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहां हुई है। यहां पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी, और भी गाड़ियां खड़ी थी, ये दो तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है जी। ठीक है, तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे
उसको पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस है जिनकी मां और जो स्वयं भी थे वो एकदम गिरी, उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है वो तो केवल यूज किया, लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का, वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे।